हमारे साथ इस वक्त अलकबीर डेवलपर्स के जीएम खुर्रम शहजाद साहब मौजूद हैं। हर फील्ड के लिए एक्सपो बड़ा मायने रखती है, इसी तरह रियल स्टेट में भी इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ के लिए एक्सपो का बहुत बड़ा रोल होता है। और जिस तरह की पाकिस्तान की इस टाइम इकोनॉमिक सिचुएशन बनी हुई है, मैं समझता हूँ कि इस तरह की एक्सपोज होनी चाहिए ताकि बिजनेस की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। अलकबीर डेवलपर्स का तो ये एक एम है, अपने वादों से पहले वो डिलीवर करती है और अपने वादों से पहले डेवलपमेंट करके लोगों को हैंड ओवर चीज़ें कर देते हैं। तो मैं समझता हूँ सबसे ज़रूरी चीज़ यही है कि बैकग्राउंड चेक किया जाए और चेक किया जाए कि जो चीज़ वो सेल कर रहे हैं आया उनके पास वो चीज़ मौजूद है या नहीं। अभी तो आपको पता है अलकबीर ऑर्चर्ड में सिर्फ हमने 3 मल्ला और 5 मल्ला के प्लॉट्स इंट्रोड्यूस करवाए हैं, क्योंकि वो एक सिटी बनने जा रहा है इंशाल्लाह लाहौर का। उसकी लोकेशन लाहौर में गोल्डन इंटरचेंज के ऊपर है, वहाँ तो इंशाल्लाह हमने मुख्तलिफ बड़ी कैटेगरीज भी इंट्रोड्यूस करवानी है। कमर्शियल एरिया, कमर्शियल हब भी वहाँ इंट्रोड्यूस करवाने हैं और यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस का भी हमारा प्लान है कि वहाँ पर हम दें। तो इंशाल्लाह एक वो बड़ा मेगा सिटी बनने जा रहा है इंशाल्लाह लाहौर के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली तारिक और आप देख रहे हैं टीवी टुडे डिजिटल। हमारे साथ इस वक्त अलकबीर डेवलपर्स के जीएम खुर्रम शहजाद साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर सबसे पहले तो ये बताइएगा, आज एक्सपो पे ये मेला लगा है रियल स्टेट के हवाले से, बड़े स्टॉल्स लगे हुए हैं, क्या मकसद क्या है यहाँ पर जो रियल स्टेट की सोसाइटीज़ हैं यहाँ पर अपने स्टॉल्स लेके आ रही हैं, उसका मकसद क्या है बेसिकली? जैसा कि आपको पता है कि हर फील्ड के लिए एक्सपो बड़ा मायने रखती है, इसी तरह रियल स्टेट में भी इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ के लिए एक्सपो का बहुत बड़ा रोल होता है। और जिस तरह की पाकिस्तान की इस टाइम इकोनॉमिक सिचुएशन बनी हुई है, मैं समझता हूँ कि इस तरह की एक्सपोज होनी चाहिए ताकि बिज़नेस की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। और ख़ास करके रियल स्टेट एक ऐसा बिज़नेस है जिसमें और बहुत सारी इंडस्ट्री मुस्लिक हैं, तो एक्सपो का होना ही एक खुद ब खुद रियल स्टेट की बेहतरी, रियल स्टेट की और इकोनॉमिक सूरत के लिए बहुत ज़रूरी है। ये बताइएगा, आजकल जो है हमारे माशी हालात ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, ये कुछ लोग कहते हैं डिफ़ॉल्ट होने जा रहा है, इस हालात सारे में जो आपकी रियल स्टेट है वो एक ऐसी चीज़ है जो कि मुल्क को उठा सकती है, तो आपको लगता है कि रियल स्टेट का जो बिज़नेस है इन हालात में कैसा ग्रो कर रहा है, उसके जो असरात हैं वो कैसे हैं, ये बताइए। जी बिल्कुल, जैसा कि आपको पता है कि रियल स्टेट में इस टाइम पिछले काफ़ी अरसे से मुल्क में हालात अच्छे ना होने की वजह से इन्वेस्टमेंट भी रुकी हुई है, ओवरसीज़ पाकिस्तान भी पाकिस्तान में पैसे नहीं भेज रहे। मैं समझता हूँ कि इस तरह की एक्सपो करवाकर लोगों को अच्छा फीडबैक देकर इन्वेस्टमेंट को लाया जा सकता है पाकिस्तान में, और पाकिस्तान में रेमिटेंस इससे बढ़ेंगे जिससे मुल्क की इकॉनमी बड़ी सपोर्ट हासिल होगी। खुर्रम भाई ये बताइएगा, क्योंकि आप रियल स्टेट के बिज़नेस को अच्छे तरीके से जानते हैं, अरसा हो गया आप काम भी कर रहे हैं इसमें बहुत से लोग, बहुत सी सोसाइटीज़ ऐसे भी हैं जो कि एतमाद के काबिल नहीं है, लोग इन्वेस्ट करते हैं पैसे और उसके बाद जो है फिर दो नंबरी हो जाती है, इस हवाले से दो नंबरी और असल नंबरी में क्या फ़र्क है, ये ज़रा आवाम को जो है बताएँ। जी मैं बताना चाहूँगा कि सबसे ज़रूरी चीज़ है, आप किसी भी जगह इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आप देखें कि उसका बैकग्राउंड क्या है सोसाइटी का, ऑलरेडी वो डिलीवर कर रही है और जो वादे कर रही है क्या वो टाइम से पहले या टाइम के साथ पूरे कर रही है कि नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह अलकबीर डेवलपर्स का तो ये एक एम है कि अपने वादों से पहले वो डिलीवर करती है और अपने वादों से पहले डेवलपमेंट करके लोगों को हैंड ओवर चीज़ें कर देते हैं। तो मैं समझता हूँ सबसे ज़रूरी चीज़ यही है कि बैकग्राउंड चेक किया जाए और चेक किया जाए कि जो चीज़ वो सेल कर रहे हैं आया उनके पास वो चीज़ मौजूद है या नहीं। अलकबीर डेवलपर्स में अब आगे जो है ऑर्चर्ड भी आए हैं, बाकी जो अलकबीर ऑर्चर्ड के नाम से भी, इसकी कितनी को आप आगे मज़ीद जो है वैरायटीज़ लेके आएंगे आवाम के लिए? अभी तो आपको पता है अलकबीर ऑर्चर्ड में सिर्फ हमने 3 मल्ला और 5 मल्ला के प्लॉट्स इंट्रोड्यूस करवाए हैं, लेकिन क्योंकि वो एक सिटी बनने जा रहा है इंशाल्लाह लाहौर का, और जिस तरह आपको पता है कि उसकी लोकेशन लाहौर में गोल्डन इंटरचेंज के ऊपर है और 1 मिनट ड्राइव के ऊपर वो मौजूद है, तो वहाँ तो इंशाल्लाह हमने मुख्तलिफ बड़ी कैटेगरीज भी इंट्रोड्यूस करवानी है, कमर्शियल एरियाज़ कमर्शियल हब भी वहाँ इंट्रोड्यूस करवाने हैं और यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस का भी हमारा प्लान है कि वहाँ पर हम दें। तो इंशाल्लाह एक वो बड़ा मेगा सिटी बनने जा रहा है इंशाल्लाह लाहौर के साथ। हुकूमत को क्या चाहिए, क्योंकि रियल स्टेट ही ऐसा बिज़नेस है जिससे लोग जो हैं तरक्की भी लोगों ने की है और आवाम के लिए भी एक जो है अच्छी चीज़ है, अच्छी इन्वायरमेंट में घर मिलते हैं, हुकूमत को क्या चाहिए कि रियल स्टेट के बिज़नेस लोगों के साथ जो है तावन करे ताकि वो अपना फ्यूचर जो अपना कारोबार है वो अच्छे तरीके से इस्टेब्लिश कर सके, हुकूमत को क्या पैगाम इस मैसेज देना चाहिए? जी मैं सिर्फ एक ही पैगाम देना चाहूँगा कि हुकूमत को चाहिए कि वो पाकिस्तान की पॉजिटिविटी के ऊपर बात करें, नेगेटिविटी की बात ना करें, डिफ़ॉल्ट और ये हो रहा है वो हो रहा है इस तरह की पैनिक सूरत हाल क्रिएट ना करें, सिर्फ लोगों को मोटिवेशन की ज़रूरत है। पाकिस्तान हमारा बड़ा प्यारा मुल्क है, यहाँ पर सब कुछ मौजूद है, सिर्फ यहाँ इसका एक पॉजिटिव इमेज दिखाने की ज़रूरत है। आज के हालात में भी आप समझते हैं जबकि बड़ी सियासी जो है दम इस्तेहकाम का माहौल है, तो कारोबार करने की गुंजाइश है पाकिस्तान में? जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ पाकिस्तान ही बेस्ट कंट्री है जहाँ पे कारोबार किया जा सकता है और जहाँ से प्रॉफिटेबल बल्कि कारोबार किया जा सकता है, तो बस गवर्नमेंट को चाहिए कि सपोर्ट करें और पैनिक सूरत से मुल्क को निकालें। बिल्कुल, आप गुफ्तगू सुन रहे थे खुर्रम शहजाद साहब की, जो कि एक माशी डिफ़ॉल्ट की सूरत हाल पैदा की कर दी गई है सियासतदानों की जानब से, वो मुल्क के लिए नुकसानदेह हैं, बहुत बड़े रियल स्टेट के एक बिज़नेस चला रहे हैं, उनका भी यही कहना है कि पैनिक जो सूरत हाल है उससे निकलना होगा और लोगों को जो है मोटिवेट करना होगा और कारोबार जो है पाकिस्तान से ज़्यादा अच्छा जो है कहीं पर भी नहीं हो सकता। आज की वीडियो के साथ अपने मेज़बान को दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।